हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी 25 मार्च से 31 मार्च के ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के बारे में क्या कह रहे हैं, कहां छिपा है लाभ और कहां देनी है आपने सावधानी। सबसे पहले लेते हैं एरी यानी मेष राशि। इस हफ्ते तो आपसे जलने वालों को, दुश्मनों को देंगे मात, लेकिन आप अपनी सेहत का दे खास ख्याल। मेंटली भी लो फील कर सकते हैं। घर का माहौल बनेगा सुखद। जीवन साथी को होगा अपनी फील में फायदा। कोई खोई हुई चीज मिल सकती है या टूटा हुआ संबंध जुड़ सकता है, लेकिन काम में अड़चने आ सकती हैं। रखें तैयारी, रहें प्रिपेयर्ड। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। अपनी काबिलियत से कम करेंगे परफॉर्म। राय ये है, यूज ऑल योर इंटेलिजेंस एंड स्किल्स टू गेट बेनिफिट। संतान संबंधित किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, दे उनका पूरा ख्याल आप। प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, शक या ईगो क्लैशेस अवॉइड करें। चलता कर्ज अमाउंट होगा कम और गुड हेल्थ के लिए करेंगे अपना लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइज आप। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। घर या दफ्तर में कोई मेंटेनेंस इश्यूज आ सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में या जॉब में करियर ग्रोथ को लेकर डाउट्स या दिक्कतें आएंगी। यू आर एडवाइज टू बी पेशेंट एंड सीनियर से राय लें आप। प्रेमी से होगी मुलाकात, जतलाएंगे अपना बड़प्पन डिफरेंसेस को इग्नोर करके, और कुछ इन्वेस्टमेंट से होगा इस हफ्ते आपको मॉनेटरी बेनिफिट। कैंसर यानी कि कर्क राशि। ट्रबल और डिले ड्यूरिंग ट्रैवल कैन बॉदर, सो बी केयरफुल। आपकी सोच और इमेजिनेशन के हिसाब से जीवन के काम में या चीजें नहीं होंगी, सो अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द अननोन। एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और करियर में उन्नति के लिए किसी का साथ या गाइडेंस आएगी आपके काम। घर पर आ सकते हैं मेहमान, प्रेमी को दिखाएंगे नखरे और थर्सडे के बाद बनेगा कोई काम जिससे होगा आपको फायदा। लियो यानी कि सिंह राशि। परिवार में अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंसेस और फंड्स की क्लैरिटी बढ़ेगी। काम में आपकी हिम्मत एंड मेहनत से मिलेंगे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स। आउट ऑफ टाउन जा सकते हैं कुछ लोग, दोस्तों से बांटेंगे प्यार और आएंगे उनके काम आप। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फिर प्रॉपर्टी सेल में डिले आपको परेशान कर सकता है इस हफ्ते। वर्गो यानी कि कन्या राशि। किसी प्रोजेक्ट या काम का हेड आपको बनाया जा सकता है। संबंधों में किसी बात को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपनी सोच का नजरिया बदल के देखें आप। मनी मैटर्स में आएगा सुधार। कैन अटेन सम वेल्थ और ड्यू मनी। जाएंगे किसी ट्रिप पे या करेंगे तैयारी आप। लिब्रा यानी कि तुला राशि। अचानक होते घाटों से, किसी नुकसान से या खर्चों से बचे। रॉन्ग परचेज भी हो सकती है, सो थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग। फॉलो ऑल रूल्स सो दैट कोई सरकारी दिक्कत भी ना आ पाए। दिस विल ब्रिंग रिस्पेक्ट एंड ऑनर। लाइफ पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट मिलेगी। 27th एंड 28th मार्च आर बेटर डेज फॉर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। पेमेंट्स को लेकर डिले और डिडक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इंक्रीज योर प्रेशर और सॉल्यूशन के साथ तैयार रहें। मैरिटल हैप्पीनेस के लिए या उसके सुख के लिए आप बढ़ाएंगे अपना योगदान। चैरिटी एंड शॉपिंग में करेंगे स्पेंड और जा सकते हैं किसी जर्नी पे कुछ लोग। सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि। काम में ऑकवर्ड सिचुएशंस या अनवांटेड प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज झेलनी पड़ सकती हैं। अपने लेवल एंड स्टेटस ऑफ वर्क को लेकर होंगे काफी कॉन्शियस।
बड़ी डील्स और सरकारी डील्स पाने की होगी आपकी कोशिश। ड्यू प्रॉफिट्स एंड पेमेंट्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ गहराएंगे संबंध, भाई बहन को फायदा होगा और आपकी उनसे हो सकती है मुलाकात इस हफ्ते। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मन का झुकाव आप लोगों का धर्म कर्म की कार्यों की ओर बढ़ेगा। काम में ग्रोथ और फायदा होने के आसार हैं। आपकी कैपेसिटी टू हैंडल ऑल सिचुएशंस एट वर्क एंड रिलेशंस विल इंप्रूव। जस्ट बी वाइज एंड स्वीट एज देन यू कैन टर्न थिंग्स योर वे। फाइनेंशियल गेन्स आर ऑल्सो सीन विद योर राइटियस कंडक्ट। सेल्स विल ऑल्सो इंक्रीज। बस फादर या फादरली फिगर को दिक्कत आ सकती है, उनका ध्यान दें आप। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, कोई परेशानी अचानक से आ सकती है। डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के भी चांसेस हैं। है कोई दुख तो रास्ता ढूंढे, ना के मायूस हो, और जरा जीवन के सुखों पर भी नजर डालें, मन को शांत और संतुष्ट करें। Some of you can rejuvenate yourself with a holiday, trip or religious trip. Health का ख्याल दें so that body pain, illness या injury ना परेशान करे आपको इस हफ्ते। बारी आती आखिरी राशि Pisces यानी मीन राशि की। जीवन साथी संग संबंधों में मैं को नहीं हम को समझे, नहीं तो आ जाएगी दरार। ये समझें कि एक दूसरे की खूबियों को आप आनंद उठा रहे हैं तो खामियां भी आप दोनों को ही झेलनी पड़ेंगी, उसे झेलने कोई और नहीं आएगा। काम में या आपके सर्कल में चलती बैक बाइटिंग और कॉन्स्पिरेसी का भी होगा खुलासा इस हफ्ते। बट झगड़ों में ना पड़ें आप, बने वाइज और अपना फायदा देखें। सीनियर्स या फादरली फिगर की अटेंशन आपको इस हफ्ते मिल पाएगी।